गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट आइडिया विद सना। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस चीज़ का रिव्यू करवाने जा रही हूँ ये है गार्नियर की क्रीम। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस ये है गार्नियर स्किन नेचुरल क्रीम। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और ये क्रीम कितनी देर में अपना रिजल्ट देती है भी कि नहीं, इसकी प्राइस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है। सो गाइस आपको बताऊं कि एक गार्नियर स्किन नेचुरल क्रीम SPF 19 के साथ है, यानी ये क्रीम आपको सन से भी प्रोटेक्शन देगी। इसके साथ साथ ये क्रीम, इनका कहना है कि ये क्रीम आपको तेज़ी से आपकी स्किन को फेयर करेगी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि इस क्रीम में सीरम और लेमन एसेंस भी शामिल किए गए हैं, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है, और ये डर्माकोलॉजी टेस्टेड भी है। इनका कहना है कि ये आपको एक वीक में रिज़ल्ट देगी और मैंने ये क्रीम पर्सनली तकरीबन पूरी ही यूज़ की है और मैं आपको आपके साथ इसके रिव्यू शेयर करूंगी कि मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ। तो गाइस दूसरी तरफ जाके देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये फेयर लुकिंग स्किन है जो वन वीक में आपको रिज़ल्ट देती है। इसके साथ ही इनका कहना है कि ये आपकी स्किन से फेड डार्क स्पॉट्स एंड रिड्यूस डलनेस करती है, यानी आपकी स्किन पर हर किस्म के निशानात को, डार्क स्पॉट्स को ये ख़त्म करती है और उसके साथ साथ डलनेस को भी जल्दी से रिड्यूस करती है और ये आपकी स्किन को 3 टोन फेयर करेगी। यानी 3 टोन आप यहाँ पे देख सकती हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा, मतलब जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है, ये उसको काफ़ी हद तक यानी उसको लाइट कर देगी। इन्होंने हर जगह यही मेंशन किया है कि ये क्रीम डर्माकोलॉजी टेस्टेड है, यानी इनका कहना है कि इस क्रीम का कोई भी नुकसान नहीं है। अलबत्ता अब आगे देखते हैं, पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ इसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। गाइस इस तरह भी इन्होंने यही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनका कहना है कि ये अल्ट्रा लाइट फार्मूला है, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है और वही बात कि आपके स्किन को जो बहुत ही जल्दी ये वाइट स्पीड देता है। और आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको अपनी पूरी स्किन पर थोड़ी सी अमाउंट लेकर अपनी फेस के साथ साथ अपनी नेक पे भी इसको अप्लाई करना है, डेली अप्लाई करना है इसको और फिर ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। नीचे देखते हैं गाइस, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस क्रीम की प्राइस मेंशन की हुई है। इनका कहना है कि ये जो है क्रीम 160 रुपीज़ की है। सो गाइस ये जो क्रीम है ये मैंने बाय की है, ये एक इंडियन क्रीम है, यानी गार्नियर की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं ये पाकिस्तानी भी होती हैं लेकिन ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इंडियन है। मैंने ये खुद कह के मंगवाई थी क्योंकि मैंने सुना था कि जो गार्नियर की इंडियन क्रीम है वो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देती है। सो गाइस ये टोटली इंडियन की, मतलब इंडिया की ये क्रीम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मैन्युफैक्चर बाय लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे मुंबई का ये एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है। सारा यहाँ पे इंडियन ही एड्रेस है और ये इंडियन क्रीम है, यानी ये लोकल या पाकिस्तानी क्रीम नहीं है, ये इंडियन क्रीम है। सो गाइस मैंने इसको यूज़ किया, यूज़ करते साथ इसने मेरी स्किन को तो वाइट किया लेकिन वो लोग जिनकी स्किन पर एक्नी प्रॉब्लम्स हैं ये क्रीम उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनको ये जल्दी सूट नहीं करती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एक्नी प्रॉब्लम हो और ये क्रीम उनको सूट कर जाए। उसके साथ साथ गाइस मैंने जब ये यूज़ की, इसको रेगुलर यूज़ किया, रेगुलर यूज़ करने पर मुझे इसके जो रिज़ल्ट मिले, इसने मेरे स्किन टोन तो इसने लाइटर की लेकिन मुझे इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आया। गाइस इसका मुझे साइड इफ़ेक्ट ये नज़र आया कि इससे मेरी स्किन पर मुझे बहुत ज़्यादा बाल वाजिया तौर पर शो होना शुरू हो गए थे। अब ना जाने ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने बहुत ज़्यादा वाजिया किया कि इसने मेरी स्किन पर जो है बहुत ज़्यादा बाल लाना शुरू कर दिए हैं, तो गाइस फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। आप मेरे साथ ऐसा हुआ है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये यूज़ की क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि इससे मेरे चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए। इसने मुझे फ़ायदा तो दिया मेरी स्किन क्योंकि आ गई फेयर थी लेकिन मेरी स्किन थी ऑयली, इसीलिए मेरी स्किन पर इतनी ज़्यादा सूट नहीं की। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम है वो ये यूज़ ना करें क्योंकि इसमें लेमन एसेंस शामिल है और ये उनके लिए बेहतर नहीं है।
तो गाइस अगर आपको ये सूट करती है, आपकी स्किन पर किसी तरह के बाल वगैरह नहीं आते, आपको लगता है कि ये यूज़ करने से हमारी स्किन बेहतर हो रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इस क्रीम को कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू ना रखें, क्योंकि मुझे मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक इससे मेरी स्किन पर बाल आना शुरू हो गए थे, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो क्रीम है ये कैसी लगी है, इसके रिव्यू मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। सो गाइज ये देखिए, ये अंदर से इस तरह की छोटी सी पैकेजिंग में छोटा सा ग्लास जार है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये छोटा सा ग्लास जार है, ये देखिएगा। इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, और ये इस साइड पे वही सारा इन्होंने मेंशन किया है कि ये टोटली इंडियन क्रीम है, पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वही सारा कुछ, नीचे इसके प्राइस है 160 रुपीज़। इनका कहना है कि ये क्रीम, अगर आप इस क्रीम को अपनी इस गार्नियर के फेस वॉश के साथ ही यूज़ करेंगे, तो ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देगी, यानी ये डबल रिज़ल्ट देगी अगर आप इसको फेस वॉश के साथ यूज़ करते हैं। आइए इसको ओपन करके चेक करते हैं कि आया इस क्रीम का अंदर से टेक्सचर कैसा है और ये किस तरह के। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है गाइस, ये देखें थोड़ी सी, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि मैंने ये तकरीबन सारी लगा ली थी, बिल्कुल ये थोड़ी सी रह गई, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ कि मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन मुझे तो इस क्रीम ने डरा ही दिया, मेरी स्किन पर इतने ज़्यादा बाल आ गए कि मैं बहुत ज़्यादा वर्ड हो गई और मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने तो बल्कि इस क्रीम को इसके फेस वॉश के साथ ही यूज़ किया था, लेकिन मुझे रिज़ल्ट के साथ साथ इसका साइड इफ़ेक्ट भी हुआ, इसीलिए मैंने अब इसको छोड़ दिया है। और 160 रुपीज़ इस क्रीम की प्राइस है, इंडियन है। आप भी इस क्रीम को यूज़ करें, और जिन्होंने ये यूज़ की है वो मुझे बताएं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि नहीं, उनके साथ इसके जो है इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताइएगा। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।